नमस्कार दोस्तों, एनटीवी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। दोस्तों, चरित्रहीन स्त्री के लक्षण हम सभी नहीं जानते हैं, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चरित्रहीन स्त्री की पहचान बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। चरित्रहीन महिलाओं की पहचान करना उतना आसान नहीं है, पर उतना मुश्किल भी नहीं है। बने रहें वीडियो के अंत तक, सब कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, हम चरित्रहीन स्त्री को उसके स्वभाव से पहचान सकते हैं। स्त्री का स्वभाव व चाल चलन हमें उसके चरित्र के बारे में काफी कुछ जानकारी दे देते हैं। ऐसी महिलाएं किसी की इज्जत नहीं करती हैं और ज्यादा अपशब्द का उपयोग करती हैं। हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। ईश्वर ने महिलाओं की रचना बहुत ही खूबसूरत बनाई है, लेकिन जिस तरह हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक उसी प्रकार सभी स्त्रियों का आचरण तथा आदत एक जैसी नहीं हो सकती है। वे पुरुष जिन्हें एक अच्छी पत्नी मिलती है, वे बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जिन्हें चरित्रहीन स्त्री मिल जाती है, उनका तो फिर ईश्वर ही मालिक है। चरित्रहीन महिलाओं को अपने घर बार से कोई लेन देन नहीं होता है। ऐसी स्त्रियां अपने पति के अलावा भी दूसरे मर्दों से संबंध बनाने में नहीं हिचकती हैं और अपने पति के अलावा भी दूसरे मर्दों के साथ ज्यादा समय बिताती रहती हैं। चाणक्य नीति में चरित्रहीन स्त्री के लक्षण बताए गए हैं, यह उनके बुरे स्वभाव के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी महिला के साथ संबंध बनाने से पहले उसके कुछ अंगों को देखते हैं, तो आप पहले से पता लगा सकते हैं कि वह किस टाइप की महिला है और आप ऐसी महिलाओं के साथ संबंध बनाने से बच सकते हैं। चरित्रहीन किसे कहते हैं? दोस्तों, जब कोई महिला या पुरुष एक प्रेमी या पति पत्नी के रहते दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, तो वो चरित्रहीन कहे जा सकते हैं। चरित्रहीन महिला की पहली पहचान, पत्नी बार बार बिना कारण बहाने बनाती हुई अकेले घर से बाहर जाती है, तो यह चरित्रहीनता के संकेत हो सकते हैं। महिलाएं अकेली घर से बाहर जाती हैं और उसके बाद अपने प्रेमी से भी मिल सकती हैं। ऐसा होने पर आप उनसे सवाल कर सकते हैं, चरित्रहीन स्त्री के अंगों से कैसे पहचान करें? दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार स्त्री को कोई नहीं समझ सकता। प्रकृति स्त्री को कोमलता, सज्जनता और प्रेम के सभी गुणों से संपन्न करती है। महिलाएं परिवार के सम्मान को बनाए रखने के लिए काम करती हैं। इसके अलावा नैतिक और सामाजिक आचरण की पवित्रता को बनाए रखें। चाणक्य ने कहा है कि ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो अपने बुरे स्वभाव और व्यक्तित्व की कमी के कारण अपने साथ जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती हैं। ऐसी महिला केवल एक पुरुष से प्यार करना नहीं जानती। कुछ महिलाओं का व्यवहार परिवार के विनाश का कारण होता है। वहीं ऐसी महिलाओं को समाज की भाषा में अशुभ या कुलक्षणी कहा जाता है। इन महिलाओं की पहचान तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि उन्हें अच्छी तरह से जान ना लिया जाए। दोस्तों, ऐसी महिलाओं से दूर ही रहें, लेकिन प्रसिद्ध भारतीय ग्रंथ चाणक्य नीति के अनुसार महिलाओं के चेहरे और हरकतों को देखकर उनके वास्तविक स्वरूप का पता लगाने के कई तरीके हैं। लंबे माथे वाली महिला देवर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, बड़े पेट वाली स्त्री अपने ससुर के लिए, और जिन औरतों का कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है वो पति के लिए अशुभ मानी जाती है। जिस महिला की कमर बहुत मोटी होती है, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। इसके विपरीत, अगर टांग का पिछला हिस्सा बहुत पतला या सूखा हो, तो ऐसी महिलाओं को जीवन में हर तरह के दर्द का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जिस महिला के पैर का अंगूठा जमीन को नहीं छूता है और जिसकी अनामिका उंगली अंगूठे से अधिक लंबी होती है, तो वह उसी के अनुसार अपना व्यक्तित्व बदल लेती है। दुर्भाग्य से ऐसी महिला का स्वभाव खराब होता है, इन्हें नियंत्रित करना मुश्किल होता है, इनके चरित्र पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम किसी भी प्रकार से महिलाओं को अच्छी और बुरी श्रेणियों में विभाजित नहीं करते हैं।
और ना ही ऐसा करने का प्रयास करते हैं जिससे महिलाओं की गरिमा का हनन होता है। यह जानकारी सामान्य विश्वास और जानकारी पर आधारित है। दोस्तों, आगे बताया गया है, परिवार वालों से बुरा व्यवहार। अगर पत्नी का कोई चरित्र नहीं होगा तो वह कभी भी आपके परिवार पर उचित ध्यान नहीं दे पाएगी, घर का काम भी ठीक से नहीं कर पाती है, आपके परिवार वालों के साथ अक्सर विवाद करती रहती है। ऐसे में आपको सावधान रहना चाहिए। चरित्रहीन महिला परिवार को एक बोझ के रूप में समझती है और बार बार परिवार के अन्य सदस्यों से अलग होने की बात कर सकती है। चेहरा देखकर पहचाने चरित्रहीन महिला। इन बताए गए लक्षणों से आप किसी भी महिला के चरित्र की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, जिन महिलाओं के होंठों के ऊपर के हिस्से में बाल होते हैं और कद बहुत लंबा होता है, ऐसी महिलाएं अपने पति के लिए बहुत ही अशुभ मानी जाती हैं, क्योंकि ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति कभी भी वफादार नहीं होती हैं। ऐसी महिलाओं के पति हमेशा अपनी पत्नी के कारण दुखी ही रहते हैं। ऐसी स्त्रियों से दूर ही रहना चाहिए। दिल और जुबान का तालमेल नहीं बैठा पाती, ये महिलाएं दिल और जुबान का तालमेल नहीं बैठा पाती हैं। उनके दिमाग में कुछ और, उनकी जुबान पर कुछ और है। चरित्रहीन महिला को एक से अधिक पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने में शर्म नहीं आती है। ऐसी महिला के कई पुरुष मित्र होते हैं और वह चतुराई से सबको अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है। दोस्तों, कुछ लड़कियां बहुत ही चालू टाइप की होती हैं, तो चालू महिला की पहचान कैसे करें? जिन महिलाओं में चालूपन होता है वो अपने पति का सम्मान नहीं करती हैं, वह छोटी छोटी बातों पर अपने पति से झगड़ती रहती हैं और इसके अलावा वह हमेशा अलग अलग मर्दों के साथ रहती है। दोस्तों, दांत देखकर महिला का आचरण पता कर सकते हैं। आप शरीर के किसी भी भाग से किसी भी महिला के चरित्र का पता लगा सकते हैं। जिन महिलाओं के दांत अन्य स्त्रियों की तुलना में काफी बड़े बड़े और साथ ही पीले रंग के होते हैं, उन स्त्रियों के चरित्र का कोई भी भरोसा नहीं होता है। ऐसी स्त्रियां अपने पति की कभी सगी नहीं होती हैं और दूसरे मर्द के साथ संपर्क बनाने में बिल्कुल नहीं हिचकती हैं। अगर आप भी ऐसे लक्षण वाली किसी महिला के संपर्क में हैं तो सचेत हो जाएं, क्योंकि इनका साथ आपको बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसी स्त्रियां अपने त्रिया चरित्र के कारण न केवल परिवार में बल्कि पूरे समाज में आपको लज्जा का पात्र बना सकती है। दोस्तों, ये सब हो गए शारीरिक संरचना देखकर उसके स्वभाव के बारे में पता करने के कुछ राज। 5 मिनट में ये 5 बातें देखकर आप उसकी असलियत जान सकते हैं, मगर परफेक्ट जानकारी के लिए उसके स्वभाव के कुछ पहलू भी देखने जरूरी हैं। चरित्रहीन महिला की संगत में रहकर कुछ लक्षण से पता किया जा सकता है कि वह पति के साथ वफादार है या नहीं। आइए जानते हैं चरित्रहीन महिला को कैसे पकड़ें। दोस्तों, महिलाओं को किसी भी तरह से नीचा दिखाना या प्रतिबंधित करना अस्वीकार्य है, क्योंकि इससे उनके अधिकारों का हनन होता है। महिलाओं के दायित्व और नैतिक सिद्धांत हैं जिनका उन्हें पालन करना चाहिए, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत पूर्ति के लिए अपना रास्ता चुनने का अधिकार भी है। यदि आप किसी महिला के व्यक्तित्व के बारे में अनिश्चित हैं तो आप उससे सीधे बात कर सकते हैं और उसके विश्वासों और सिद्धांतों के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। धोखेबाज महिलाओं के कान ऐसे होते हैं। दोस्तों, जिन महिलाओं के कानों में बहुत अधिक बाल पाए जाते हैं उनका चरित्र ठीक नहीं होता है। ऐसी महिलाएं अपने पति को कभी भी धोखा दे सकती हैं। अगर आप भी ऐसी किसी महिला के संपर्क में हैं जिनके कानों पर अत्यधिक बाल हैं तो एक बार विचार अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसी महिलाएं आपको बर्बाद कर देती हैं। ऐसी महिलाओं से कभी भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए। अशांत मन से होती है चरित्रहीनता की पहचान। किसी भी महिला के चरित्र के बारे में पता लगाना बहुत ही आसान है। ऐसे कई लक्षण महिलाओं के अंदर पाए जाते हैं जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि महिला चरित्रहीन है या नहीं। आप पैरों से भी चरित्रहीन महिलाओं की पहचान कर सकते हैं। जिस स्त्री के पैर का पिछला हिस्सा अधिक मोटा होता है, ऐसी स्त्रियों को घर परिवार के लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है, जिनके कारण घर में हमेशा अशांति बनी रहती है। NTV मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार के वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।